ये जो स्पीड वर्ड है वो हम लोग अपनी डेली लाइफ में बहुत ज्यादा यूज करते हैं। जैसे कि सर आज मैं अपने घर से साइकिल लेकर बहुत तेज साइकिल चलाकर स्कूल चला गया था, बहुत तेज। फिर मैं सर स्कूल से घर आ रहा था तो मैं एकदम धीरे 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 साइकिल चलाकर घर आ रहा था। तो ये धीरे फास्ट ये जो आप लोगों ने वर्ड यूज किए वो क्या है, वो स्पीड है। क्या है वो? स्पीड। स्पीड को हम लोग अब फॉर्मली डिफाइन करने का ट्राई करेंगे, बट उसके लिए मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लूंगा कि वो जो याद है ना स्लो मोशन वाला और फास्ट मोशन वाला, याद है कि नहीं? याद है भाई। स्लो मोशन में क्या हो रहा था कि कुछ एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ टाइम था टी, टाइम को हम लोग क्या कहेंगे टी से, उसमें वो जो स्लो मोशन वाला था वो कम डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा था, क्या कम डिस्टेंस। और फास्ट मोशन में क्या हो रहा था कि जो इतने ही अमाउंट ऑफ टाइम में वो ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा था। तो मतलब कि स्पीड किसकी ज्यादा होगी, बोलो बोलो। फास्ट मोशन है उसकी स्पीड ज्यादा होगी, आप लोग बात को समझ रहे हो, और स्लो मोशन वाला की स्पीड कैसे होगी, कम होगी, क्योंकि वो स्लो चल रहा है धीरे धीरे जा रहा है और ये फास्ट जा रहा है। मतलब जिसकी मोशन फास्ट है ना उसकी स्पीड ज्यादा होती है और जिसकी मोशन धीमे होती है उसकी स्पीड कम होती है। अगर मैं उसको आप मैथमेटिकली थोड़ा लिखने का ट्राई करोगे तो देखो टाइम को ना मैं लिखता हूँ डिनोमिनेटर में और डिस्टेंस को लिखता हूँ न्यूमेरेटर में। अब क्या होगा, टाइम कितना था 10 सेकंड ले लेते, चलो टाइम होगा 10 सेकंड। एंड मैं डिस्टेंस ले लेता हूँ 50 मीटर, किसमें फास्ट मोशन में 50 मीटर ले लेता हूँ। आंसर आ रहा है 5 यहाँ पर, किस तरह से कुछ ये कैंसिल हो जाएंगे और 5 बच जाएंगे, ये टी यहाँ पर इग्नोर करो। फिर इसमें क्या होगा कि 10 सेकंड ही है बट इसने 30 मीटर ही ट्रैवल किया, तो यहाँ पर आ जाएगा 3। अब 3 जो नंबर है वो 5 से छोटा है कि नहीं, 3 जो नंबर है वो 5 से कैसा है, छोटा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये स्लो स्पीड है और ये फास्ट स्पीड है। हम लोगों ने स्पीड को कैसे डिफाइन किया कि डिस्टेंस को हम लोगों ने टाइम से डिवाइड कर दिया। क्या आप लोग ये बात समझ रहे हो कि नहीं, बोलो। हाँ, हम लोगों ने स्पीड में डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड कर दिया और उससे हमें क्या मिली, स्पीड मिली। क्या मिली हमें? स्पीड। देखो वही है उसका फॉर्मूला कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम। मतलब कि कोई पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम में आप कितना डिस्टेंस ट्रैवल करते हो उसे कहते हैं स्पीड। तो यही है उसका फॉर्मूला कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये है हमारा फॉर्मूला ऑफ स्पीड। ये फॉर्मूला कैसा है वो समझ में आ रहा है कि अगर इंटरवल सेम ही रहेगा तो डिस्टेंस कम ज्यादा होगा और फिर उससे स्पीड भी कम ज्यादा होगी। मतलब समझ रहे हैं आप लोग स्लो मोशन फास्ट मोशन वाला एग्जांपल? यस सर, समझ रहे हैं। थोड़ा टाइम रहेगा इसको समझने, बट अगर आप इसका रिविजन करोगे तो आप लोग समझ जाओगे। इसी तरह से हम इसका यूनिट भी बना सकते हैं। डिस्टेंस का क्या यूनिट है, मुझे याद है तब तक मीटर है उसका यूनिट, ऐसा यूनिट ही की बात करेंगे हम लोग। और टाइम का ऐसा यूनिट है सेकंड। तो जो मीटर पर सेकंड है वो किसका यूनिट है, स्पीड का यूनिट है। किसका? स्पीड का यूनिट। चले इसको ये जो यूनिट वाला कन्वर्जन वाला पार्ट है ना वो थोड़ा देख लेते हैं। चलो स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर हमें एक इंटरवल ऑफ टाइम कांस्टेंट रखना है और अगर स्पीड को बढ़ाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, डिस्टेंस जो है उसको भी बढ़ाना होगा, मतलब कि ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा। समझ रहे हो बात को? और अगर स्पीड को कम करनी है तो उतने ही अमाउंट ऑफ टाइम में डिस्टेंस कम ट्रैवल करना होगा। तो ये जो स्पीड और डिस्टेंस ना वो एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है। अगर आप लोग डिस्टेंस ज्यादा ट्रैवल कर रहे हो तो स्पीड भी आपकी ज्यादा होगी, अगर आप डिस्टेंस कम ट्रैवल कर रहे हो तो आपकी स्पीड भी कैसी होगी, कम होगी। और टाइम को हम लोगों ने कॉन्स्टेंट रखा है, मतलब कि एकदम सेम इंटरवल ऑफ टाइम। आप लोग समझ रहे हो कि नहीं बात को? यस सर, हम लोग समझ रहे हैं। उसी तरह से ये जो स्पीड है वो टाइम से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब कि स्पीड इज प्रोपोर्शनल इनवर्सली टू द टाइम। ये प्रोपोर्शनल का सिंबल है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर यहाँ पर डिस्टेंस मैं कांस्टेंट कर दूँ, मैं यहाँ पर डिस्टेंस जो है उसको कांस्टेंट कर दूँ, फिर अगर मुझे स्पीड ज़्यादा कम करनी है तो, मतलब कि 100 मीटर मैंने फिक्स कर दिया, अब मुझे स्पीड बढ़ानी है तो मैं कम टाइम लूँगा,
स्पीड बढ़ानी है तो कम टाइम लेना पड़ेगा, और अगर मुझे स्पीड कम करनी है तो टाइम ज्यादा लेना होगा। मतलब कि स्पीड कम, टाइम ज्यादा, ये दोनों एक दूसरे के एकदम ऑपोजिट होते हैं, इसलिए इनको इनवर्सली प्रोपोर्शनल कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर स्पीड बढ़ानी है तो टाइम कम लेना होगा, और अगर स्पीड कम करनी है तो टाइम ज्यादा लेना होगा। ठीक है, अभी ये तो ठीक है, अभी समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, पर मैंने आपको समझा दिया। देखो, स्पीड का फॉर्मूला क्या था? डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब बात कर लेते हैं यूनिट की। स्पीड का जो यूनिट होगा वो होगा मीटर पर सेकंड। कैसे सर? डिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या है? मीटर। टाइम का ऐसा यूनिट क्या है भाई? सेकंड। तो इसका यूनिट क्या होगा भाई? मीटर पर सेकंड। एकदम इजी। फिर उसी तरह से डिस्टेंस का दूसरा यूनिट भी है किलोमीटर, एंड टाइम का भी एक दूसरा यूनिट है आवर। तो ये एक और यूनिट हो गया किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकंड, किलोमीटर पर आवर। फिर सेंटीमीटर पर सेकंड। समझ रहे हो, मैं जस्ट यहाँ पर यूनिट चेंज करता जा रहा हूँ ऊपर नीचे, और नए नए यूनिट बनाता जा रहा हूँ। हम लोग इसका थोड़ा कन्वर्जन देख लेते तो ज्यादा आइडिया आएगा। ये पेन ले लेते हैं और इसको जरा साफ कर देते हैं। डिलीट। चलिए, आपको दिया गया है 10 किलोमीटर पर आवर, ये आपका क्वेश्चन है, और इसको आपको कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में। किसमें? मीटर पर सेकंड। अब आप लोग सोच रहे हो कि सर ये कैसे करेंगे हम लोग, हमें तो आता नहीं है। चलो मैं सिखा देता हूँ, हमें कुछ नहीं करना, ये 10 है ना, उसको ऐसे ही रहने दो 10। अब ये जो है ना वो उसके मल्टीपल में है, यहाँ पर मल्टीपल में है तो यहाँ पर मल्टीपल कर दो। अब 1 किलोमीटर, ये कितना है? किलोमीटर। अगर यूनिट लिखा हुआ होता है ना उसका मतलब होता है ये 1 किलोमीटर। कितना? 1 किलोमीटर। ये 10 अलग है, ये किलोमीटर अलग है, ये है 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर मतलब कि 1000 मीटर, 1000 मीटर। उसी तरह से ओवर जो होता है उसमें कितनी सेकंड होती है? एक ओवर में होती है 60 मिनट, और उसी तरह से एक मिनट में होती है 60 सेकंड। तो मतलब कि 60 मल्टीप्लाई बाय 60 इतनी सेकंड होती है एक ओवर में, मतलब कि 3600 सेकंड। भाई इतना तो आपको आता ही होगा। तो मतलब कि एक ओवर को सेकंड में कितना होता है? 3600 सेकंड। ये हो गई सेकंड। अब क्या होगा? ये जीरो कैंसिल, ये जीरो भी कैंसिल। फिर इसको मैं लिख सकता हूँ 5 मल्टीप्लाई बाई 2, इसको मैं लिख सकता हूँ 18 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 कैंसिल, और बचेगा क्या भाई? 10 मल्टीप्लाई बाई 5 अपॉन 18 मीटर पर सेकंड। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई किया जा सकता है, जैसे कि 9 मल्टीप्लाई बाई 2, फिर 2 से यहाँ पर 5, तो 25/9 मीटर पर सेकंड, ये हमारा आंसर हो गया। इसमें और ज़्यादा तो हो नहीं सकता, आप लोग कैलकुलेटर का यूज़ करके ये कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने क्या किया कि जो 10 किलोमीटर पर आवर था उसको मैंने मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट किया। क्या आप लोगों को ये आया? इजी था? अरे एकदम इजी था। देखो थोड़ा और एक एग्जांपल ले देता हूँ, इसको जरा मिटा देते हैं। अरे इसको डायरेक्ट ऐसे ही मिटा दो ना। हाँ, हो गया। पेन थोड़ी सी अब बदल लेते हैं। चलो मैं थोड़ा इजी एग्जांपल देने का ट्राई करूँ तो कैसे कर सकता हूँ मैं? 360 किलोमीटर पर आवर है, 360 बोला ना मैंने, तो 360 कर देते। चलो 360 मतलब कि 360 किलोमीटर पर आवर है, उसको हमें कन्वर्ट करना है सेम टू सेम मीटर पर सेकंड में। तो बताए कैसे करोगे आप लोग? चलो मुझे पहले से बताना स्टार्ट करो। पहले क्या करेंगे हम लोग, 360 को अलग लिख देंगे और इसको मल्टीपल में लिख देंगे। यहाँ पर क्या है? 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर मतलब कि 1000 मीटर, और डिनोमिनेटर में क्या होगा? आवर। एक आवर मतलब कि 3600 सेकंड, 3600 सेकंड। आप लोगों को ये समझ में आया ये कैसे आया? ये मैंने कहाँ पर लिखा है? इसकी जगह पर।
इसको यूनिट क्यों कहते हैं, क्योंकि ये यूनिट है, 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर, यहाँ पर 1 आवर, ये नंबर है वो अलग है और ये जो है वो अलग है, इसे इसे कहते हैं यूनिट, यूनिट मतलब कि 1। तो 1 किलोमीटर मतलब कि 1000 मीटर, 1 आवर मतलब कि 3600 सेकंड। अब क्या होगा, 0 0 कैंसल 0 0 कैंसल, फिर यहाँ पर क्या बचा भाई, अच्छा कुछ बच ही नहीं रहा, यहाँ पर 3600 है। अच्छा देखो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 36 मल्टीप्लाई बाई 10, लिख सकता हूँ कि नहीं, मैं लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर 36 और यहाँ पर ये 36 कैंसिल हो जाएंगे, तो बचा क्या, यहाँ पर बचा 10 मल्टीप्लाई बाई 10, मतलब कि 100 मीटर पर सेकंड। बोलो ये एग्जांपल एकदम इजी था क्या, आपको समझ में आया? ये थोड़ा मैथ्स थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है बट इजी है, अब बड़े हो गए हो इतना तो आना चाहिए आपको। देखो कैसे किया मैंने, मीटर को किलोमीटर को मीटर में, आवर को सेकंड में कन्वर्ट करो, फिर यहाँ पर हो गया आंसर। किलोमीटर पर आवर को हम लोग ज्यादातर मीटर पर सेकंड में ही कन्वर्ट करते हैं, फिर अगर मीटर पर सेकंड को हम लोग सेंटीमीटर पर सेकंड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे, 100 100 तो ऐसे ही रहेगा, फिर मीटर मतलब कि 1 मीटर मतलब कि 100 सेंटीमीटर और सेकंड का तो सेकंड ही रहेगा, तो ये क्या हो जाएगा, 1000 सेंटीमीटर पर सेकंड। इस तरह से हम लोगों ने किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में और फिर मीटर पर सेकंड को सेंटीमीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लिया। क्या ये टफ था? अरे नहीं था, एकदम इजी था, एकदम इजी है। चलो इसके मैं कुछ एग्जांपल आपको वर्कशीट में दे दूंगा, आप लोग ट्राई कर लेना, इजी है एकदम, बट फिर भी। अब स्पीड देखो, हम लोगों ने ऐसा देखा था ना वो स्पीड वाला, एक जगह से दूसरी जगह वाला, ऐसा वो डिस्टेंस में हम लोगों ने देखा था ना, डिस्टेंस एक जगह से दूसरी जगह, डिस्प्लेसमेंट वाला, बस ऐसा स्पीड में भी होता है। अरे सर ये क्या आप लोग नया नया ला रहे हो, समझाता हूँ। देखो स्पीड में अगर आप लोग एक डिस्टेंस ट्रैवल करो, मतलब कि यहाँ से आप लोगों ने स्टार्ट किया कुछ इस तरह से, ये वाला पाथ लिया और फिर आप लोग यहाँ पर पहुंचे, ये वाला जो पाथ लिया इसे कहते हैं स्पीड, मतलब अगर आप लोग स्पीड उसकी मेजर कर रहे हो तो। इस पाथ को क्या कहते हैं, डिस्टेंस, पाथ को कहते हैं डिस्टेंस और स्पीड मतलब कि डिस्टेंस पर सेकंड। ये हो गई हमारी स्पीड, ये क्या है हमारी स्पीड। बट सर आप लोग तो, सर हम वो डिस्प्लेसमेंट वाला वो क्या होता, अरे बताता हूँ देखो बच्चों, ये पाथ पे अगर आप लोग ट्रैवल कर अपनी स्पीड मेजर करते हो तो उसे कहते हैं स्पीड, क्या कहते हैं उसे, स्पीड। बट अगर 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 आप लोग इस जगह से उड़कर इस जगह पर जाते हो एकदम स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर और फिर अगर आप अपनी स्पीड मेजर करते हो तो उसे कहते हैं वेलोसिटी, क्या कहते हैं उसे, वेलोसिटी, वेलोसिटी, वेलोसिटी मतलब कि डिस्प्लेसमेंट, क्या, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट पर टाइम। ये वेलोसिटी वर्ड एकदम नया है आपके लिए बट अभी से आप लोग सीख लो तो अच्छी बात होगी। वेलोसिटी मतलब कि क्या, कि एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे बट स्ट्रेट लाइन ट्रैवल कर जाएंगे, क्या आप लोग ये बात को समझ रहे हो? तो वेलोसिटी का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट प्लस टाइम, और ये जो डिस्प्लेसमेंट था उसमें क्या होती है, डायरेक्शन होती है, मतलब कि ऐसे स्ट्रेट लाइन में ही जाना है, ईस्ट में जाना है, नॉर्थ में जाना है, साउथ में जाना है, कहीं भी जाना है, तो वो जो डायरेक्शन वाली क्वांटिटी है वो इसमें भी आ जाएगी वेलोसिटी में, मतलब ये जो वेलोसिटी है ना वो भी, उसमें भी डायरेक्शन चाहिए आपको कि नॉर्थ ईस्ट में जाना है या फिर ईस्ट वेस्ट में जाना है, कहीं भी जाना है तो उसमें क्या चाहिए, डायरेक्शन चाहिए। तो स्पीड एंड वेलोसिटी के बीच का जो डिफरेंस है, क्या आप लोगों को वो समझ में आया कि नहीं? मैं लिख देता हूँ यहाँ पर वेलोसिटी, स्पीड एंड वेलोसिटी, स्पीड अलग चीज है, वेलोसिटी भी अलग चीज है। आप लोग जनरली तो 11 ट्वेल्थ में ही पढ़ते हैं बट मैं आपको अभी से सिखा रहा हूँ, क्यों? क्योंकि जब आप उस स्टेज पे आओ 11 ट्वेल्थ में, तब आपको ऐसे नया ना लगे कि सर ये तो कुछ देखा ही नहीं है, आप लोग तब उस टाइम पे उसके अच्छे अच्छे प्रॉब्लम सोल्व करो और फिर जी मेन को अच्छे से क्लियर कर दो और IIT में जाकर इंजीनियर बन जाओ, मैं यही चाहता हूँ। इसलिए मैं आपको अभी से ये सिखा रहा हूँ वेलोसिटी क्या होती है, स्पीड क्या होती है, क्या लोग ये बात समझ में आ रही है, मजा आ रहा है कि नहीं? स्पीड में डायरेक्शन नहीं होती, डिस्टेंस अपॉन टाइम हो गया खत्म, वेलोसिटी में डायरेक्शन होती है,
डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यहाँ पर जाना है, यहाँ पर जाना है, वो होती है वेलोसिटी। बाकी वैल्यू तो सेम ही है। अब लोग बोलोगे कि 10 किलोमीटर पर आवर, अगर आप लोग यहाँ पर डायरेक्शन स्पेसिफाई नहीं कर रहे हो तो ये हो जाती है स्पीड। बट अगर आप लोग यहाँ पर डायरेक्शन मेंशन कर देते हो कि 10 किलोमीटर पर आवर इन वेस्ट, तो ये हो जाती है वेलोसिटी। क्या हो जाती है ये? वेलोसिटी। क्या आप लोगों को ये बात समझ में आ रही है? यस सर, आ रही है। डायरेक्ट ओनली नंबर से, यहां पर कुछ नहीं है, खाली नंबर है। यहां पर नंबर तो है बट उसके साथ में एक डायरेक्शन भी है, तो उसे कहते हैं वेलोसिटी, इसे कहते हैं स्पीड। एकदम इजी लैंग्वेज में मैंने आप लोगों को अभी समझाने का ट्राई किया है। चलो आज के लेक्चर में ना हम लोग यहीं तक रखते हैं। आज थोड़ा ज्यादा हो गया, नहीं? हम लोगों ने बहुत कुछ सीख लिया, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, फिर स्पीड, वेलोसिटी, यह सब कुछ सीख लिया, कन्वर्जन सीख लिया। बट ठीक है, आज का लेक्चर थोड़ा टफ होगा, बट आप लोगों को 2 से 3 बार देखना है, एकदम अच्छे से रिविजन करो इसका, नोट्स बनाओ और फिर नेक्स्ट लेक्चर फिर से स्टार्ट कर दो। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।